हैप्पी संडे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो ये लीजिए सुबह की चाय, आप लोग भी पी लीजिए संडे की। और आई होप आप सब लोगों ने मज़े लिए होंगे संडे के खूब। हम लोग तो खैर ले ही नहीं पाते, डेली का यही रूटीन हो जाता है हमारा। तो बस मम्मी की चाय लेके जा रही हूँ अभी। पापा भी नहाए नहीं है, पापा नहा रहे हैं तो पापा की चाय बाद में जाएगी। तो मॉर्निंग की पूजा भी कर लेते हैं और खाना पीना बनेंगे आज आराम से बाद में। और मम्मी तो पूजा कर चुकी हैं, मम्मी ने नहला भी दिया गोपाल जी को और सारी तैयारी कर ही रखी थी। तो मैंने कहा कर लेती हूँ मैं भी फटाफट से पूजा। और यार मेरे मुंह में ना छाला सा हो गया है, तो अजीब सा लग रहा है, बोल रही हूँ ना तो अजीब सा लग रहा है, मतलब कल से ऐसे ही हो रहा है। बट कोई नहीं, अपने आप ठीक होता है, मैं कुछ लगाती नहीं हूँ एक्चुअली, अपने आप ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है दिन संडे और अभी हो रहा है, टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं सुबह के। तो आप सभी को हैप्पी संडे। संडे एंजॉय करिए घर पे, कहीं घूमना है तो घूमिए आराम से, हम तो खैर घर पे रहने वाले हैं। और फिलहाल जो है चाय दे आई हूँ मम्मी को पापा को, और पूजा भी हो चुकी है मेरी। जीनू मैडम देखो अभी तक नहीं उठी है, चाय वाय पी लेते हैं उसके बाद फिर खाना पीने में लगती हूँ। आलू मैंने उबाल लिए हैं, बॉयल कर लिए हैं, तो सोच रही हूँ यार आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी और रोटी वगैरह हो जाएगी तो यही बनाऊँगी, रायता हो जाएगा साथ में। तो अभी फिलहाल चाय पी लेते हैं। देखो चाय रखी है, अभी हस्बैंड गए वॉशरूम तो आएंगे तो पीने। आलू कर लिया बॉईल इसमें, चाय लियो। जीनू अभी गुस्सा हो जाएगी, जीनू को उठाता तो गुस्सा हो जाती है। तो यार चाय वाय पी के मैं लगी हूँ खाने की तैयारी में। तो आलू टमाटर की सब्जी जैसे बताया मैंने वही बना रही हूँ। और मैंने सोचा पहले खाने की तैयारी करके रख देती हूँ, फिर कुछ क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि पापा कहीं जाने लग जाते हैं संडे को, तो फिर तैयारी हो तो फिर ईजी रहता है, फटाफट से रोटी पराठा जो भी है सेक दो। तो इसलिए मैं तैयारी करके रख देती हूँ। और यहाँ टमाटर में यार मैंने पेस्ट बना लिया था, इसमें मैंने सब कुछ पीस लिया था, कोई जो लौंग इलायची होता है ना, लौंग इलायची, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, ये सब कुछ डाल के पीस लिया था। और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जो मैंने टमाटर में डाल दी थी, तो कलर जो है ना बहुत अच्छा हो गया था। तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, टमाटर के पेस्ट को थोड़ा सा टाइम देता है, बट यह है कि भूनने के बाद जो टेस्ट आता ना वो काफ़ी अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो जब तक इसको अच्छी तरह ना भूनो ना, तब तक मज़ा नहीं आता। तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, अभी ऐड कर दिया थोड़ा सा, जो है बाद में ऐड कर दूंगी, क्योंकि अभी जो है ना खुशबू आ जाएगी एकदम मसाला भुनता है ना। तो ये देखो मसाला जो भुन चुका है, तेल छोड़ दिया मसाले ने। अब इसमें मैं डाल देती हूँ आलू, आलू को मैंने मैश कर लिया था, तो मैश करने के बाद फिर इनको मैंने डाल दिया। और सब्ज़ी है खदक चुकी है काफ़ी, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ती और गैस को कर रही हूँ बंद। तो ये हमारी मज़ेदार सब्ज़ी जो बन के रेडी हो गई है। इसके साथ यार पूड़ी, चावल, रोटी, मतलब कुछ भी खा लो टमाटर आलू के साथ तो यार अच्छा ही लगता है। और ये सैलेड मैंने रेडी कर दिया, आलू मैंने थोड़े से बचा लिए तो मैं ज़्यादा लग रहे थे, और आटा लगा के भी रेडी कर लिया है। अब बस लग जाती हूँ मैं और कामों में। और अभी क्या है, अभी सब लोग खा चुके हैं, खा पी के हो गए हैं फ्री, रोटी सिक चुकी है, सब लोग खा चुके हैं, बट अभी हस्बैंड ने और मैंने नहीं खाया एक्चुअली। चावल बच के थे ना रात के, तो इनको फ्राई करके खाने के सोच रहे हैं हम, काफ़ी टाइम से फ्राइड राइस नहीं खाए हैं, तो बस यही फ्राई करके फिर इनको खा लेंगे, क्योंकि हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राइड राइस। तो इसलिए फिर मैंने इसको एक्चुअली मैंने रात थोड़े से चावल ज़्यादा भी डाले थे इसी के लिए, मैंने कहा कि सुबह थोड़े से बच जाएंगे ना तो फिर उसके वैसे करके खा लेंगे, क्योंकि फ्राइड राइस के लिए स्पेशली चावल करो फिर उसे करो तो फ्राई करो मतलब, तो इतना कुछ मन नहीं करता स्पेशली अपने लिए। तो फिर मैंने सोचा रात के चावल हैं इनको फ्राई कर लेता, तो उसी के लिए सब्ज़ियाँ काट रही हूँ फिलहाल। और मैंने कहा हवा भी लगती आएगी, पसीना आ गए थे क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और किचन में घुस के तो हालत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए फिर मैंने कहा बैठ के आराम से हवा भी लेती रहूँगी, काटती रहूँगी। तो काट लिया सारी सब्ज़ियाँ, काट ली गाजर और शिमला मिर्च, प्याज, और जब प्याज थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन हो गया मैंने इसमें शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर दी थी, उसके बाद फिर टमाटर डाले थे एंड में। और ज़्यादा तो नहीं पकाना होता सब्जियों को, क्योंकि थोड़ा सा ना क्रंची क्रंची आता है ना तो अच्छा लगता है फ्लेवर। और इसमें मैंने डाल दिया सब सोया सॉस, सेजवान सॉस और ये अजीनोमोटो, इसकी खुशबू जो बहुत अच्छी आ जाती है, एकदम चाइनीज़ फ्लेवर आ जाता है, आप किसी भी चीज़ में डाल दो ना अजीनोमोटो तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चाउमीन वगैरह में, नूडल्स में मोस्टली यही यूज़ करते हैं बाहर सब लोग,
तो मैंने लेके रख रखा था क्योंकि पहले लॉकडाउन लगा था ना, तो फिर चाउमीन वगैरह घर पे बना लेते थे तो अजीनोमोटो डाल देते थे, तो इतना अच्छा फ्लेवर आता था ना, बाहर की तरह चाउमीन जैसे खा रहे हो वैसे आता था। तो बस उसको थोड़ा सा ऐड कर दिया, बहुत थोड़ा सा डालते अजीनोमोटो, ज़्यादा नहीं डालते। और यहाँ पर मिक्स कर दिए हैं सारे चावल के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं, उनको भी मैं मैश कर लूँगी अच्छी तरीके से, और ये हमारी यम्मी से जो फ्राइड राइस बन के रेडी हो जाएंगे। और कोई केचप वगैरह थी नहीं, जैसे ग्रीन चिली सॉस होती है वो भी डाल सकते हैं, रेड चिली सॉस होती है वो भी डाल सकते हैं। तो बस एक नूडल्स की तरह फ्लेवर आता है तो अच्छा लगता है चावल में। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये दोनों लोग अभी वैभव और हस्बैंड जो हैं ये गेम में लगे पड़े हैं, तो गेम खेल रहे हैं फिलहाल में। तो ये देखो थाली रख के रेडी हो गई है ना, बढ़िया थाली, भूख लग गई ना आप लोगों को भी। और खाना खाने के बाद हमने बुला लिया था सर्विस वाले को, एक्चुअली बुकिंग कर दी थी हमने कल ही, तो एसी की सर्विस करवानी थी क्योंकि एसी जो कूलिंग नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, मतलब कर रहा था बहुत हल्की हल्की कर रहा था, और हर साल करवानी पड़ती है सर्विस यार, क्योंकि एसी चलता ही इन टाइम में मई जून जुलाई गर्मी, इतनी सड़ी गर्मी पड़ती है ना, तो एसी के बिना काम ही नहीं चलता। तो देखो कितनी डस्ट उड़ रही है यार, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी क्योंकि एक तो यार कवर नहीं डाल पाए हम लोग, याद ही नहीं रहता कवर अवर लेने का, तो कवर डाल दो तो बेटर रहता है, इतनी धूल मिट्टी नहीं होती क्योंकि बाहर से बहुत आ जाती है, तो बहुत थोड़ा सा टाइम लग गया था करने में, बट यह है कि बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। तो इतनी अच्छी कूलिंग कर रहा था ना, बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा था, मतलब अंदर घुसते ही इतना अच्छा फील हो रहा था। तो फिर उसके बाद लग गए हम लोग साफ़ सफाई में, क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है, वैसे ज़्यादा गंदगी नहीं फैलाते ये लोग, बट यह है कि चादर वगैरह फिर चेंज कर दी, पानी हल्का फुल्का टपका था तो वो भी क्लीन कर दिया मैंने, पोंछा ओंछा लगा दिया है। और बाहर ज़्यादा पानी हो जाता है क्योंकि बाहर प्रेशर से मारते हैं ना वो लोग एसी पे, तो फिर इसलिए मैंने बाहर तो सारा पानी भरा बाल्टी में, बहुत काला काला पानी निकला था, बहुत गंदा, उसको सबको साफ़ किया, फिर अंदर आए, फिर ये बेडशीट वगैरह चेंज करिए, और जो भी चीज़ें हमने बाहर रख दी थी निकाल के पहले से थोड़ा सा खाली कर दिया था, क्योंकि थोड़ा खाली स्पेस रहता तो सही रहता है, मतलब करने वाले को इतनी दिक्कत नहीं होती है फिर। तो बस अब बाकी सामान जो है सारा ला ला के अंदर लगा देंगे। और यार यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी मम्मी से बात, क्योंकि मदर्स डे है तो बात करना तो बनता है, वैसे तो होती रहती है, बट ये कि आज के दिन भी हो जाए तो अच्छा रहता है। मेरे ख्याल से तो यार हर दिन माँ का दिन ही होता है, कोई स्पेशली कुछ ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप सब कुछ कर दो बाकी दिन ना करो। और यार आप लोगों को विश करना भूल ही गई मैं, आप सभी माओं को सबको हैप्पी मदर्स डे, और मैं खुद को भी खुद ही विश कर लेती हूँ हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि जीनू भी छोटी है, उसको इतना कुछ नॉलेज है नहीं, जो करना है मुझे ही करना है। तो यार हम करते हैं चल के गोलगप्पा पार्टी करने जा रहे हो, चलो ब्लैक ब्लैक, यार तुम दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना है। हाँ। मम्मी के लिए मंगाया गोलगप्पे, क्योंकि हमारी जो मम्मी है वो बाकी कुछ खाती नहीं है, प्याज वगैरह, वो समोसा गोलगप्पे, मतलब उन्हें यही चीज़ें पसंद है, तो इसलिए फिलहाल यही मंगा लिया और खाना बन रहा है। हाँ बेटू आ जाओ ऊपर, हाँ मैंने कॉल करा था ना, लेट हो गए थे तुम लाने में इसलिए। तो यार यहाँ चल रही है गोलगप्पा पार्टी, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए आके। वैभव के यार पेट में गड़बड़ थी तो वैभव ने नहीं खाया, वैभव अंदर भाग गए उठ के, तो यहाँ पे हम सब लोग खा रहे हैं। और हाँ दीदी और भैया एक्चुअली खाटू श्याम गए थे आज, मॉर्निंग में निकल गए थे, तो फिर इसलिए अभी हम सब लोग मजे कर रहे हैं घर पे। और यार आप लोगों ने कैसे क्या सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जीनू को तो गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी मिर्च होती है फिर भी ये खा लेती है, और वैसे सब्जी वब्जी कुछ नहीं खाएगी, बट गोलगप्पे पिज़्ज़ा मतलब बर्गर ये सब बच्चों को पता नहीं यार कितना पसंद होता है आजकल, पहले हम लोग कितना नहीं होता था, मतलब चाउमीन वगैरह खा ली ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, बट पिज़्ज़ा वगैरह का इतना नहीं था क्रेज़ पहले के टाइम में, बट आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब हर टाइम। और हाँ यार हमने दोपहर में पिज़्ज़ा भी खाया था, एक्चुअली मैंने क्लिप नहीं बना पाई वो, क्योंकि थक गए थे बहुत सर्विस के बाद, हस्बैंड लेके आ गए थे तो पिज़्ज़ा खाया था हम लोगों ने। और खाने में भी आया खिचड़ी बन रही है आज, सिंपल सी बेसिक खिचड़ी, तो वही गैस बंद करने गई थी मैं, ऊपर सीटी आ रही थी बार। और चलिए ब्लॉग एंड भी करते यहीं पे, आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अपनी माँ का, अपनी सासू माँ का, सबका ध्यान रखिए, बाय।